मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, प्रेम स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, यहां दंगे फसाद हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, आपने देखा रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस चाहती है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू ना रहे, यहां दंगे फसाद हो। अपना मध्य प्रदेश शांति का टापू है, प्रेम स्नेह और सद्भाव के साथ मध्य प्रदेश की जनता रहती है। आपने देखा राम नवमी हो, चाहे भगवान श्री राम का जन्मदिन हो या हनुमान जयंती हो, पूरे प्रदेश में न केवल शांति बल्कि सौहार्द और सद्भाव के साथ मनाई गई, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि शांति का टापू ना रहे मध्य प्रदेश, या दंगे फसाद हो। शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता पूर्व मुख्यमंत्री जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे तब वे चुनाव के पहले कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे कि मुसलमानों के पोलिंग बूथ पर 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उस समय का वीडियो दुनिया ने देखा है और वो केवल वोट बैंक मान करके काम करते हैं। क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा? अभी कमलनाथ रोजा इफ्तार के समय भी कह रहे हैं कि इस साल दंगे भड़क रहे हैं प्रदेश में। अरे कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश में अशांति है, लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए हैं कि मध्य प्रदेश को अशांति और वैमनस्य की खाई में झोंकना चाहते हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता पूर्व मुख्यमंत्री जब 2018 में मुख्यमंत्री नहीं थे चुनाव के पहले, तब भी ये कह रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे मुसलमानों के पोलिंग बूथ पे 90% वोट क्यों नहीं डलते, वोट डलवाओ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। उससे मैं का वीडियो दुनिया ने देखा है, क्या वो केवल वोट बैंक मान के काम करते हैं? क्या वोट के लिए लोगों को भड़काया जाएगा धर्मों में और जातियों में? अब रोज अवतार के समय फिर वो कह रहे हैं, इस साल अभी परसों की घटना है, और एक समुदाय को कह रहे हैं दंगे भड़क रहे हैं देश में प्रदेश में। कहां मध्य प्रदेश में दंगे भड़क रहे हैं, कहां मध्य प्रदेश में अशांति है? लेकिन वोटों की भूख में आप इतने पागल हो गए कि मध्य प्रदेश को झोंकना चाहते हैं आप। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में।